नारायणपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरिमा मोड़ क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में उच्च गुणवत्ता युक्त पोशाक दिया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि अनाज दाल इत्यादि की साफ सफाई करवा कर पोशाक बनवाते हैं, लेकिन आमजन में इसमें सहयोग करे। विशेष रूप से पीओ क्षेत्र के अंतर्गत ये भी देखने में आया कि नहर की डाणी स्कूल में बंदरों का आतंक है, इसलिए वहां पर थोड़ी अव्यवस्था बनी रहती है। मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़ाने का भी संदेश दिया। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, आप पीओ सेंटर गढ़ी को भी देखते हैं और पूरे क्षेत्र में जो पोशाक बनता है, गोगड़ी स्कूल हो चाहे महर की डाणी हो चाहे रामशाला हो, तो इसमें उच्च गुणवत्ता युक्त पोशाक मिलता है? बिल्कुल साहब, उच्च गुणवत्ता आपको पोशाक मिलता है। हम मीनू के हिसाब से छात्रों को पोशाक देते हैं। अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो भी साप्ताहिक मीनू है उसी के आधार पर बच्चों को खाना दिया जा रहा है। सूत्रों से ये ज्ञात हो रहा है कि जो मैकीडानी स्कूल वहाँ पर बंदर मंदिर की वजह से बने रहते हैं और ये शिक्षकों की पीड़ा है, आपने संज्ञान लिया कभी? बिल्कुल साहब, हमने वन विभाग को भी कहा है और जो बंदर हैं उनको भी, हाँ SDM साहब को भी सूचना दी गई है और जल्दी ही हम उनको जंगल में छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। कभी कभार प्रतिकूल परिस्थितियों में गेहूं के अंदर घुन दीमक वगैरह लग जाते हैं, तो साफ सफाई क्या व्यवस्था है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। दीमक और ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल दो बार हमने स्वच्छ साफ करवाया जाता है। ये कार्य कौन कराने के बाद, ये कार्य कौन करता है? आप साफ सफाई कुकम हेल्पर ये कार्य करती है, दो बार वो साफ करती है, एक बार चक्की से जब पिसाया जाता है तो भी हम उसको साफ करवाते हैं। सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी आपकी जो क्षेत्र के प्रधानाचार्य सभी स्कूलों के आए हुए हैं, ये किस प्रयोजन से आए? आज विद्यालय में UDICE का प्रशिक्षण है, इसके इस हेतु सभी जो PO अधीनस्थ विद्यालय हैं उनके संस्था प्रधान यहाँ बैठक में आए हैं। UDICE का उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय के अंदर अन्य जो गतिविधियाँ हैं उनका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय अधिकारी SDM समय समय पर निर्देश भी देती रहती है, क्या उनकी पालना होती है? बिल्कुल साहब, अक्सर से उनकी पालना की जा रही है और सभी जो राष्ट्रीय आवाज़ न्यूज चैनल, आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत गढ़ीमा मोड़ अधीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोगड़ी के अंदर। यहाँ पर पोषाहार की गुणवत्ता और पोषाहार किस प्रकार से पकाया जाता है, मैम आप पोषाहार प्रभारी हैं, आपके यहाँ पोषाहार पकाने की व्यवस्था उचित है मैम? जी हाँ। जैसे कई बार गेहूं के अंदर घुन वगैरह या दाल के अंदर ऐसे दीमक वगैरह लग जाती है, तो क्या उनको साफ सफाई की उचित व्यवस्था है? दाल तो हम खुद लेके आते हैं, तो हम ऐसी लाते ही नहीं है कि उसमें इल्लियां वगैरह हुए, हम रोज खुद ही दुकान से खरीद के लेके आते हैं। और जो गेहूं वगैरह उसमें इल्लियां वगैरह आती हैं तो हम उसकी सफाई करवाते हैं, जो कुकिंग वाली हैं उनसे हम उनकी सफाई करवाते हैं अच्छे से। फिर भी आपके सामने ऐसी कोई समस्या आती है जिससे कि आप अपने स्तर के ऊपर उनको बहन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पोषाहार कई बार नहीं आता है स्कूलों में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम? हाँ जी, कई बार पोषाहार नहीं आता तो हम डीलर से खुद जाके और फिर लेके आते हैं, और फिर जब आता है तो उनको देके भी हम खुद। तो डीलर से और आपकी स्कूल की दूरी कितनी है मैम? करीब 1.5 किलोमीटर। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या यहाँ पे 148 बच्चे हैं। तो जो गेहूं लेते हो डीलर को पुनः लौटाना पड़ता है? जी हाँ। तो इसकी व्यवस्था